देखिए मैं सलमान पठान और मैं इस वक्त नरवर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, क्योंकि तो मगरौनी से मात्र 2 किलोमीटर ये हरसी का ये चल रहा है। जो मेरे पीछे देखोगे कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, जो हरसी डैम जो है नरवर के पास, नरवर मगरौनी के पास में, उसका जो हरसी ओवरलोड होता है तो जो यहाँ से उसका पानी दिखने लग जाता है, ओवरलोड के ऊपर से पानी दिखता है तो ये चल रहा है। अभी तीन है, इसके ऊपर एक बड़ा और है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। कई लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, लेकिन कई लोगों को ज़्यादातर इस जगह का मालूम नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का नज़ारा है, इस तरीके का मौसम है जो बरसातों में अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। जो आप देख सकते हो कितना प्यारा झरना है, दूध की तरह पानी टपक रहा है। इधर की इसकी लंबाई देख सकते हो किस तरीका, बिल्कुल सफ़ेद पानी दूध की तरह टपकता है इसमें से, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पर लोग आए नरवर में, ऐसी अच्छी एक से एक चीज़ें हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें नरवर में देखने को मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी। काफ़ी लोग जो आप खुद देखोगे अपनी आंखों से, जहाँ पर आने के बाद में जब आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में ही नरवर किस चीज़ है। नरवर के अंदर कई पहाड़ों से झरने गिरते हैं, कई नदियाँ हैं, कई नाले हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो अभी तक आपको किसी ने ना दिखाई, जो जे बियर छर्रा बोलते हैं इसको, जो ओवरलोड डैम हो जाता है तो जहाँ से ऊपर से पानी गिरता है, अभी इसके बाद में काफ़ी खतरनाक था, इसके बाद में पहले काफ़ी खतरनाक चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। इसकी वीडियो में आगे और दिखाऊंगा। ओके।